नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका वर्मा। नायरा की सास को हनीमून मनाने के लिए नहीं मिली ज्यादा छुट्टी। 4 दिन पहले मंदिर में की थी बॉयफ्रेंड के साथ शादी। इस साल बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के कई एक्टर एक्ट्रेसेस शादी के बंधन में बंध गए हैं और इसी लिस्ट में एक नाम है पारुल चौहान का। पारुल ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड चिराग ठक्कर से शादी कर ली है। पारुल ने 12 दिसंबर को बहुत सादगी से राधा कृष्ण इस्कॉन टेंपल में सात फेरे लिए और इसके बाद अपने होम टाउन में पारुल ने एक ग्रैंड रिसेप्शन का आयोजन भी किया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर धूम मचा रही हैं। अपनी शादी और रिसेप्शन में पारुल बेहद खूबसूरत नजर आई। खास तौर पर रिसेप्शन में पारुल का अंदाज देखने लायक था। सच मानिए, अपने रिसेप्शन में पारुल चौहान किसी अप्सरा से कम नहीं लगी। और अब खबरों के अनुसार रिसेप्शन के बाद पारुल हनीमून पर जाने की प्लानिंग कर रही हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान पारुल ने इस बात का खुलासा किया है कि वो नए साल पर अपने पति के साथ मालदीव जाने वाली हैं, क्योंकि काम से इतने दिन की ही छुट्टी मिली है। इसके बाद वो 20 दिन के लिए लंदन या फिर यूरोप के लिए निकल जाएंगी। बता दें, पारुल चौहान और चिराग ठक्कर की मुलाकात एक कॉमन दोस्त के जरिए साल 2015 में हुई थी। पारुल और चिराग ने इस्कॉन टेंपल में शादी की है। शादी की कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। पारुल और चिराग ने बेहद सिंपल तरीके से शादी की। इतना ही नहीं, पारुल की मेहंदी की तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसमें पारुल अपनी मेहंदी में पीले रंग का लहंगा पहने दिखाई दी। इसके अलावा मल्टी कलर के फूलों की ज्वेलरी में पारुल बेहद खूबसूरत दिखी। पारुल की मेहंदी की रस्म में उनकी खास दोस्त शिल्पा रायजादा, माही शर्मा, टिया गंडवानी ने शिरकत की थी। आज उन्हों इन दिनों पारुल टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा की सास का रोल प्ले कर रही हैं। पारुल ने टीवी सीरियल बिदाई में काम करके खूब सुर्खियां बटोरी थी। फिलहाल वो अपने पति के साथ मुंबई में ही समय बिता रही हैं और अब जल्द ही न्यू ईयर के मौके पर पारुल अपने पति चिराग ठक्कर के साथ हनीमून मनाने के लिए मालदीव रवाना होने वाली हैं, जहां पर वो अपने पति के साथ छुट्टियां एंजॉय करेंगी। वेल, अब ऐसे में हम भी इस नए कपल को कंग्रेचुलेट और बेस्ट विशेस जरूर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।